व्यक्ति है और काफ़ी हमारे पुराने मित्र भी हैं। हम तो चाहते हैं दिन दुगुना रात चौगुना करें, और ये जो फिल्म लाइन है, फिल्म लाइन में एक फिल्म अगर चालू होता है तो कई लोगों का रोजी रोटी चलता है, और इसमें ये बहुत अच्छा काम है, लोगों को रोजी रोजगार भी दे रहे हैं, अपनी मान सम्मान भी बढ़ा रहे हैं और भी लोगों का हो रहा है। तो हम इन्हें आशीर्वाद देने आए हैं और हमारा दिल से जो भी होगा इनको फिल्म को रिलीज होने तक हम पूरा सहयोग करेंगे। और मल्टी टैलेंटेड है दार्शनिक, मुंबई मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, आप भी मीडिया से जुड़े हैं, क्या भाई मीडिया वाला तो ऐसे है कि किसी को भी रातों रात स्टार बना देते हैं मीडिया, और ये तो मीडिया के ही बंदे हैं, तो इनको तो पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि भाई जब हमारे व्यक्ति, हमारे बीच से निकले हुए व्यक्ति हैं और आगे कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। किस तरह सहयोग करना चाहेंगे कल्याण जी का आगे चल के? हम तो अपने स्तर से पब्लिसिटी से भी सहयोग करेंगे, बाकी रिलीज में जो होगा सहयोग वो भी हम करवाएंगे। कल्याण जी जाना जो है वो बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे अदाकारा है, मेरे तरफ से उनको शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, बेस्ट विशेष है, और नो डाउट बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत अच्छे एक्टर है। फिल्म के लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। तो किस तरह सहयोग करना चाहेंगे कल्याण जी को आगे चल के इस फिल्म में? उनको जो भी सहयोग लगेगा वो मैं करूँगा उनको, क्योंकि वाकई में वो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत मेहनती है और बहुत डाउन से आगे आए हुए हैं। तो मेरे तरफ से उनको इस दोनों फिल्म के लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। ओके, थैंक यू। बताना चाहूंगा आपको, दो फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, काफी बड़ा उपलब्धि है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्मों के बारे में और अपने उपलब्धि? सबसे पहले मीडिया को दिल से सलूट, क्योंकि मीडिया अगर ना हो तो मैं गरीब आदमी कल्याण जी ना है, तो सबसे पहले मीडिया को नमस्कार, दिल से नमस्कार, और थैंक यू मेरे को एक्टर, दोनों मेन हीरोइन और मेरे बाजू में है, ये इस फिल्म की हीरोइन है, ये इस फिल्म की हीरोइन है, और थैंक यू अजय सर, थैंक यू मुंबई ग्लोबल के संपादक राजकुमार तिवारी सर, थैंक यू दामोदर राव, थैंक यू ऑल, जैसा रमेश गोयल सर, बिरवल सर, जितने भी लोग आए हैं सभी को नमस्कार, क्योंकि जितने ही मेरा फैंस आए हैं, जितने मेरा फैन आए हैं, जितने ही मेरे लोग आए हैं, मैं मतलब टाइम निकल के आए हैं मेरे पास, तो सभी को नमस्कार, सभी को दिल से नमस्कार। और ये जो दो फिल्म है, ये दोनों फिल्म मेरा नहीं है, ये आप सभी का है, मैं तो एक छोटा सा गरीब आदमी हूँ, मेरा नहीं है, ये आप सभी का है, आप मीडिया वाले का है, जितने भी मेरा फैंस है उन सभी का फिल्म है, मेरा ये फिल्म नहीं है, मैं एक वर्कर हूँ, इस फिल्म में काम करने वाला हूँ, बाकी आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, डैडी मम्मी की दुआ, मेरे भगवान का दुआ, मेरे फैंस की दुआ, यहाँ के जितने भी मुझे मानते हैं, जितने भी लोग हैं, इन सभी की दुआ से सर। तो क्या विषय बताइए, दोनों फिल्मों का विषय क्या है, किस तरह से आप एंटरटेन करेंगे दोनों फिल्मों में? ये जो फिल्म है, मैं हूँ ऑटो वाला का जिंदगी, जो यूपी बिहार से जो आते हैं ऑटो चलाते हैं, वो उनकी जो जिंदगी जो मुंबई में जो काटते हैं, वो कैसे कैसे जिंदगी को निकालते, कैसे कैसे जिंदगी को सर्वाइव करते हैं, कैसे कैसे वो जिंदगी को आगे लेके जाता है, उसके साथ में क्या क्या होता है, तो वो पूरी कहानी है, पूरी कहानी को हम लेके आ रहे हैं इस फिल्म के अंदर, जिसका नाम है मैं हूँ ऑटो वाला। और दूसरा जो ये जो फिल्म है, इश्क गुनाह है, मतलब इश्क गुनाह भी है और इश्क अच्छा भी है, लेकिन अगर इश्क में ज्यादा तुम घुस जाओ तो वो गुनाह बन जाता है। तो ये फिल्म में ऐसा है, जो एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है, और कैसे कैसे मतलब एक मेट्रो सिटी में कैसे कैसे एक अपनी जो वाइफ है वो कैसे अपने हस्बैंड को छोड़ के एक बाहर एक रिश्ता बनाते हैं, उसके बाद कैसे वो लास्ट में गुनाह बन जाते हैं, और जो रिश्ता जो बनाते हैं बाहर, वो जो फोटोग्राफर है वो मैं रहता है, तो मैं नेगेटिव कर रहा हूँ इसमें, तो एक फोटोग्राफर को ये पटाते हैं, और वो इनके जो हस्बैंड है, उनको हस्बैंड उनका प्यार नहीं करता, तो मुझे प्यार करता है, तो मैं एक फोटोग्राफर होता हूँ, तो उनका फोटो खींचता हूँ, बहुत प्यारा प्यारा, तो उनसे मैं प्यार कर लेता हूँ, वो मुझे प्यार कर लेते हैं, उसके बाद उसको कैसे मैं एक गुनाह में आ जाता है वो एंडिंग में, वो तो बाद में आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो ये दोनों फिल्म बहुत अच्छी कहानी है, और थैंक यू हमारे डायरेक्टर अजहर हुसैन, जो इसको वो डायरेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा टैलेंटेड बंदा है अजहर भाई, आप आज उसका जुम्मा है, वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन वो आदमी है, उसके साथ साथ में अजहर के साथ साथ में जो म्यूजिक दे रहा है मेरा बड़ा भाई, मेरा गुरु दामोदर राव, और हमारे दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर है शांतनु, ये दोनों ये म्यूजिक दे रहे हैं, और बेहतरीन म्यूजिक, अभी एक म्यूजिक मैंने बना लिया हूँ, जो सिंगर है उसका शबाब शावरी और शाहिद मालिया, दोनों गाना बन चुका है, और बाकी बस चल रहा है, आप सभी का आशीर्वाद। इसके बारे में क्या बोलूँ, पहली बार इनके साथ मूवी कर रही हूँ,
हमारे पुराने बहुत अच्छे मित्र हैं, इनके साथ काम करके आई हो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो हमारे डायरेक्टर हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। पूरे टीम को मैं लेके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी हूँ। सॉरी, अब रोल जो है मुझे आज ही मालूम पड़ा, मुझे मालूम नहीं था कि इसमें मैं लीड कर रही हूँ, जो भी है बहुत अच्छा है। बहुत सारी खूबियाँ नजर आती है, इनके बारे में कुछ भी बोलूँ वो भी जितना बोलूँ उतना कम है। जी आपको इतनी हमें देते, क्या कहना चाहेंगे? पहले आप सभी को थैंक यू, सारी मीडिया को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पे आए हो, आप हो इसलिए हम हैं। यार ये है तो मैं हूँ, अगर अंकिता नहीं तो कल्याण जी खत्म। एक्चुअली मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। हम लोग की मूवी जस्ट नेक्स्ट मंथ में चालू होने वाली है, आज उसका मुहूर्त हो चुका है। बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ पे आई है, उनके हाथों से ये आज जो मुहूर्त हमने लॉन्च किया है। और ये मूवी के बारे में मैं कहना चाहूँगी, ये है ऑटो वाला की एक स्टोरी है, उनकी जीवन का एक मुद्दा यहाँ पे दिखाया हुआ है इस मूवी में, कि उनकी लाइफ कैसी होती है, कि बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, डे नाइट मारते हैं, तो उनकी लाइफ क्या होती है। कभी कभी कुछ ऑटो वाले ऐसे होते हैं कि वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ होते हैं कि बहुत दिन रात अपने फैमिली के लिए मेहनत करते हैं। इससे कई अलग अलग स्टोरी है, तो इसमें से एक स्टोरी हमने इस मूवी में दिखाई हुई है, तो उसमें से मैं इसमें लीड हीरोइन का किरदार कर रही हूँ, जिसमें एक बार गर्ल टाइप का एक रोल है, जो जिनके साथ एक ऑटो वाला की लव स्टोरी है, तो ये इसमें दिखाया हुआ है। मतलब मैं बार में काम करती है, तो मैं उसको रोज मैं लेने आता हूँ, जो ऑटो वाला जो करते हैं रात को लेने जाते हैं, उसके बाद उसको रात भर घुमाते हैं, तो पैसा नहीं होता है उनके पास वो देने के लिए मॉर्निंग में, क्योंकि वो कमाता नहीं ना, वो घुमाते हैं। तो उसके बाद धनी जो होता है, जो ऑटो जो वो जहाँ से वो मिलता है उनको, धनी उसको भागा देता है घर से। तो उसके बाद वो ऑटो को साफ करते 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 उसके बाद वो खुद का ऑटो लेता है, उसके बाद अपनी जो बसंती है इनको घुमाते हैं पूरे बॉम्बे में। और इसमें जैसे बारगल, जैसे हम बोलते हैं बारगल, हर बारगल गलत नहीं होती है, तो कोई अपनी मजबूरी से काम करती है, तो कोई शौक के लिए काम करती है, किसी का एक पैशन होता है कि नहीं पैसा कमाना है, वहाँ पे कस्टमर जमा करना है, व्हाटएवर जो भी जिसका रीज़न है। बट हमने इसमें दिखाया है कि कुछ अच्छे भी होते हैं, कि जिनको सच्चे प्यार की तलाश भी होती है, तो इस मूवी में यही हमने दिखाया हुआ है, कि मतलब इंटेंशन सही है, सही मैसेज दिया हुआ है कि लव स्टोरी होती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई अच्छा इंसान ही चाहिए, तो प्यार होता है तो किसी से भी हो सकता है। और कल्याण जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कि कलाकार के तौर पर कितना ज़्यादा आप क्या क्या खूबियाँ देखते हैं कलाकार के तौर पर, अगर बात करें तो? कलाकार के तौर पर अगर देखा जाए तो इनकी जो स्ट्रगल की जर्नी है, हर किसी मुंबई में एक्टर जो बनने आते हैं यहाँ पे, सपना जो लेकर आते हैं कि छोटे से ऊपर बनना है, कुछ लोग आते हैं कि बड़े से नीचे, बड़े से और भी बड़ा बनना है, इनकी जर्नी शुरुआत हुई है छोटे से लेके ऊपर तक आए, और वो भी गरीबों का एक्टर स्पेशल कहलाए जाते हैं। मतलब कि ये हर उन लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं, खुद भी उन लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो लोग एक्चुअल में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ जो आज हासिल किया है, कुछ पाया है, वो अपने एक ऐसे मेहनत के दम पे जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। एग्जैक्टली कल्याण जी जाना, जो इनका जो टाइटल, जो इनका नाम है, वो भी इनको किसी ने दिया नहीं है कि कल्याण जी जाना आप हो, इन्होंने ये खुद अपने आप को बनाया है। तो ये कल्याण जी होने वाली है, और कब तक पर्दे पर नजर आएंगे? इंशाल्लाह ये शूटिंग की शुरुआत अगले महीने शुरू हो जाएगी, और ये हम लोग पूरी शूटिंग मुंबई में करने वाले हैं, क्योंकि कहानी मुंबई की है, तो जर्नी भी मुंबई की हम दिखाने वाले हैं। तो कब तक पर्दे पर आने की उम्मीद है ये फिल्म? इसी साल 2018 में दोनों फिल्म रिलीज हो जाएगी, बैक टू बैक रिलीज होगी ये फिल्म। अभी मेरी आने वाली और भी फिल्म रिलीज होने वाली है, तो उसके साथ साथ इसकी भी, मतलब कि इंजन के साथ साथ सारे डब्बे जुड़े हुए हैं इसके साथ साथ। गाने की बात करें तो कुल कितने गाने होंगे इसमें? फिल्म के अंदर गाने जो अलग, जो दो फिल्में हैं ये, तो दोनों फिल्म एक्चुअली म्यूजिकल है, और एक फिल्म जो है गुनाह है, इश्क गुनाह है, वो थोड़ा सोशल से रिलेटेड है, तो बैकड्रॉप पे म्यूजिक उसमें ज़्यादा है। और ये जो मैं हूँ ऑटो वाला का जो कंटेंट है, वो थोड़ा सा चुलबुला है, कॉमिक है, थोड़ा रोमांस है, थोड़ा सा इनोसेंस है। अब ये समझने के ऊपर लोगों के, फिर भी हमने प्लान किया कि चार गाने इसके अंदर रहेंगे, और वो लवेबल सॉन्ग रहेगी, रोमांटिक सॉन्ग। आपका फोटो हमारे काम छीन रहा है।
ऑटो वाले काम छिट रहा है, हमारा काम छिट रहा है, क्या है सर? चलिए चलिए, ज्यादा नौकरान उठाए जी। कल्याण जी तो बस बड़ा चूजी आर्टिस्ट हैं, वो ऐसे कोरियोग्राफर भी हैं, एक्टर भी हैं और हल्का फुल्का गाते भी हैं, लेकिन गाने का नॉलेज उनको काफ़ी है क्योंकि इंडस्ट्री में काफ़ी साल से हैं और जितनी सारी आज तक उनकी फिल्में बनी, ये मेरा सौभाग्य कहिए या संजोग कहिए, संगीत हमारा ही रहा। और इस वाले फिल्म में हमारे मित्र एक हैं जो शांतनु जी, इनका भी म्यूजिक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। अलग अलग वेरिएशन आता है, किसी काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं तो वेरिएशन मिलता है। तो अच्छी फिल्म है ये मैं हूँ ऑटो वाला, और नई फिल्म आज बड़ा ही इसका मुहूर्त हुआ यहाँ पे अंधेरी आदर्श नगर में, तो इसके गाने सारे अच्छे हैं। इसमें शबाब सादरी सिंगर हैं और शाहिद मल्या जी हैं और पामेला जैन और हिंदी के सारे सिंगर हैं, मैंने अच्छे गाने सब रखे जा रहे हैं। मेरे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा दामोदर जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और अजहर भाई अपने हैं तो अजहर भाई का सपोर्ट है, वो बहुत बहुत खुशी की बात है। बाकी बहुत मज़ा आ रहा है, इतनी अच्छी टीम के साथ काम करने को मिल रहा है, एक से एक दिग्गज के साथ हम गाने करेंगे, जैसे कहा इन्होंने शायद माल्या के साथ। बस यही है, आप लोग सब सपोर्ट कीजिए, हम अच्छा अच्छा काम करके दिखा लेंगे। थैंक यू। कल्याण जी, एक अभिनेता के तौर पर, इंसान के तौर पर उनके बारे में तो कहता हूँ, इस इंसान की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, इतनी ये मेहनत कर रहा है, मालिक एक दिन इसको ज़रूर कामयाब करेगा, और जो मेहनत करते हैं उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द बोथ द फिल्म। और दोनों प्रोजेक्ट में से किसी प्रोजेक्ट में आप जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से रोल निभा रहे हैं, कौन सा रोल निभा रहे हैं? तो आपको पहले तो एक फिल्म में मैंने इनके फादर का रोल किया था, अभी इसमें जो रोल जो फाइनल हो जाएगा तो फिर मैं बता सकता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और बीइंग एन एक्टर आई नो हिम पर्सनली, तो उनकी जिस तरह बीरबल जी ने तारीफ की है, और मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि उनके आने वाले आगामी प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको कामयाबी बख्शे। जिस तरह सारे एक्टर यहाँ आते हैं और मेहनत करते हैं, सबकी कोशिश यही रहती है कि कामयाब होकर जाएँ, तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा जैसे कल्याण जी मेहनत कर रहे हैं, लोग ऊपर वाला उनको कामयाबी बख्शे, उस तरह सभी कलाकारों को ऊपर वाला कामयाबी बख्शे, ताकि हर कोई हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करे। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स कैसे जुड़े हैं आप? इसमें अभी बात चल रही है मेन विलन के लिए, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो दोबारा से थोड़े बहुत अपने जौहर दिखाऊँगा। पहले मैं बधाई देता हूँ, वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि फिल्म बनाना आजकल के युग में इतना इजी नहीं है, और जो सब्जेक्ट इन्होंने उठाया है मुझे खुशी है, क्योंकि आजकल कॉमेडी जो है वो हर बच्चा क्या, बड़ा क्या, बूढ़ा क्या, सब लाइक करते हैं, गरीब अमीर सब। लेकिन जो सब्जेक्ट इन्होंने उठाया है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि निचोड़ जो है ना उससे कोई मैसेज मिले, क्योंकि हमारी फिल्में जो हैं हमको बिगाड़ भी सकती हैं और सिखा भी सकती हैं। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जो ये फिल्म बन रही है, दो इश्क है, इश्क गुना है, उसमें शायद जो इश्क करते हैं शायद समझ जाए कि गुना है तो ना ही करें, और करें तो सोच समझ के करें, तो ये चीज़ है। और दूसरा, मैं हूँ ऑटो वाला, ऑटो वालों की आजकल बड़ी चांदी है, वो चांदी अकली है, नस्ली नकली है, असली है, वो पता लग जाए। तो मैं बधाई देता हूँ। मैं हूँ ऑटो वालों में शायद जुड़े हूँ, मैं बचपन से कॉमेडी करता आ रहा हूँ, लेकिन अभी तो मैं लटका हुआ हूँ, अभी बता नहीं आ, अभी लटका झटका है, अभी इनका झटका लग गया तो मैं करूँगा ज़रूर। कल्याण जी भाई के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, जब से ये प्रोड्यूसर बने हैं तब से मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ में। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक्टर ये चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बने, कंप्लीट हों, रिलीज़ हों, क्योंकि एक्टरों की खेती यही है, अगर फिल्म बनेंगी चलेंगी तो एक्टर बिजी होंगे। तो एक तो हमको ये उम्मीद है कि दोनों फिल्में बनेंगी, मैं हूँ ऑटो वाला और इश्क गुनाह है, और एक साथ मुहूर्त हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और दोनों की शूटिंग भी एक साथ होगी, और मैं दोनों में ही काम करूँगा। मैं परमानेंट एक्टर हूँ कल्याण जी भाई का, और कल्याण जी भाई की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि ये अपने ग्रुप को
संभाल के रखते हैं, कहीं ना कहीं ग्रुप पूरा होता है, चाहे वो मुहूर्त हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो फंक्शन हो या फिल्म में काम हो, जो एक बार इनके ग्रुप में आ गया वो निश्चित समझ ले कि वो काम कर रहा है, हमेशा करेगा। तो हम सब लोगों की, कलाकारों की, टेक्नीशियंस की, डायरेक्टर सबकी ये इच्छा रहती है कि मालिक इसको आगे बढ़ा, कल्याण जी आगे बढ़ाएंगे तो हम भी साथ में लगे रहेंगे तो हमारा ही भला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मकसद है ये है कि एक प्रोड्यूसर कम से कम 50 लोगों को लेकर साथ चलता है, टेक्नीशियंस सबको मिला के 50 आदमी अब उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये दो फिल्म हैं तो 100 आदमी डिपेंड कर रहे हैं इस पर। तो हम सब लोगों के ये आशीर्वाद भी है, शुभेच्छा भी है और क्या मुबारकबाद ही है कि ये दोनों फिल्म बने, हिट हों और फिर अगली फिल्म बने उसमें हम लोग काम करें। इसी आशा के साथ में मैं कल्याण जी भाई को शुभकामना देता हूँ, ऑल द बेस्ट, गुड लक। काफ़ी मूवी किया मैंने और कल्याण जी का भी कर रही हूँ, बट मैं बताना नहीं चाहूँगी कि वो रिलीज़ होने वाली है, तो उसके बाद आपको लोगों को पता लग जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड बस थैंक यू। इस फिल्म में बताइए कैसे जुड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, कल्याण जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है और मैं उनको काफ़ी दिन से जानती हूँ और काफ़ी उन्होंने मेहनत किया है इस पिक्चर के लिए एंड आगे के लिए, बस कॉन्ग्रेचुलेशन, बस थैंक यू। कल्याण जी बहुत अच्छे हैं, जब बम्बे में आए थे तो ये कुछ नहीं थे, धीरे धीरे बहुत अच्छे बन गए, आज अच्छी पोजीशन में है, काफ़ी लोगों को ब्रेक दिया है, काफ़ी फंक्शन कर रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं हमारी कॉम के हैं, ऑल द बेस्ट टू हिम। सर मैं कहना चाहूँगा कि कल्याण जी जो दो फिल्मों का मुहूर्त आज पोस्टर लॉन्च किया है उन्होंने, बहुत अच्छे से इन्होंने आज सबको बुलाया है और मेरी शुभकामना है कि और अच्छे तरीके से हम सबको साथ में लेके चलें, और मेरी शुभकामना है सब लोग इस पर जो काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग इसमें काम कर रहे हैं, और मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस मुकाम पर आज वे पहुँच रहे हैं हम सबको लेकर और जिस तरीके से आज वे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हम भी उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे आगे चलेंगे तो हम लोग पीछे पीछे चलेंगे, जैसा आज दो पिक्चरों का अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है, तो दो पिक्चर मतलब 100 लोग उसमें काम करें, 100 लोगों के पीछे कितने लोग हैं, तो ऐसा रोज़गार मिलता है। आई एम ऑनर ऑफ JK केवल म्यूजिक अकेडमी म्यूजिक हाउस केजो बैंड एंड कॉन्सर्ट, जिनमें से एक पार्ट KJ मेरा है जो कि मेरा खड़ा हुआ, क्योंकि आई एम JK इज KJ, हम दोनों को उन्होंने मुझे शायद डैडी बोल के रखा है तो मैं डैडी बोल के जी रहा हूँ, एंड आई एम प्रमोटर सर प्रमोटर टू मेकिंग लॉट ऑफ पीपल टू प्रमोट टू डी द प्रमोशन ऑन स्टेज टू परफॉर्म। कल्याण जी जाना हमारे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं और उन्होंने शायद मेरे लिए भी कुछ इस मूवी के लिए सोच रखा है, तो मैं भी इस मूवी का एक हिस्सा रहूँगा और मैं भी एक जगह आर्टिस्ट का काम किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों मूवी हिट हो और मेरी हार्दिक इच्छा है कि सक्सेस मिले। आज से रमजान शुरू हुआ है तो सभी दोस्तों को, सभी मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से रमजान मुबारक हो, और आज इस खुशी के मौके पर मेरे अजीज़ दोस्त जो मेरे साथ में स्ट्रगल करते थे जिनका नाम है कल्याण जी जाना, तो उन्होंने आज एक साथ दो फिल्मों का मुहूर्त किया है, तो इस खुशी के मौके पर मुझे उनको बधाई देने के लिए मैं भी आया हूँ और बहुत सारे साथी आए हैं, इंडस्ट्री के लोग आए हैं और बिल्डिंग इंडस्ट्री के लोग भी आए हुए हैं चूँकि उनके ताल्लुक सबसे हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, कुछ राजनीति के लोग हैं, कुछ बिल्डिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, तो मैं अपनी तरह से कल्याण जी जाना को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले वक्त में इसी तरह अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहें और हम सब कलाकारों को, आप सब मीडिया वालों को इसी तरह बुलाते रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, फिल्म इंडस्ट्री जिंदाबाद। रमजान महीने में हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, उसके बाद हमारे परम मित्र कल्याण जी जाना जो ये दो पिक्चरों की मुहूर्त किए हैं उनको बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूँ, और हमारे परम मित्र कल्याण जी भाई की दो पिक्चर का मुहूर्त, तो हम उनके मुहूर्त पे बहुत सारे दोस्तों के साथ में आए हैं और हमें शुभकामनाएं देते हैं कि भैया की पिक्चर सुपर हिट हो और हमारे कल्याण जी भाई कल के होने वाले बहुत ही बड़े सुपर स्टार हो और बहुत सारे फिल्में करते रहे, ये शुभकामनाएं हम देंगे। आते भी फिल्म वाले स्टूडियो से जुड़े हैं, कल्याण जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू।